हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फिजियन सर्जन एंड पेट कंसल्टेंट, और डॉक्टर राहुल पेट केयर सेज में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से हमें कैट्स के बारे में कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर, कैट्स की जो वैक्सीन होती है सबसे अच्छी कौन सी वैक्सीन होती है, और हमें उसका शेड्यूल किस तरह से होता है, और कौन सी कंपनी की वैक्सीन लगाना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। जैसे आपको पता है, आपकी जो भी क्वेरीज होती है उसके ऊपर हम हमेशा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, बनने हमारे साथ लास्ट तक। चैनल को नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे देखने के लिए। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, कैट्स जो होती है, कैट्स की जो वैक्सीन होती है काफी क्रूशियल होती है, और ये कब कब लगाना है इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सो फ्रेंड, सबसे पहले हमें देखना है कैट्स को वैक्सीन क्यों लगानी है, ठीक है? और इसमें ट्राइवेलेंट जो वैक्सीन आती है, इसमें तीन कैट्स के डिसीज मेजरली कवर होते हैं, और ये डिसीज ऐसे फेटल डिसीज है, एक बार आने के बाद आपके कैट को डेफिनेटली यहाँ से लेके जाते हैं। वो हमारे तुम्हारी नॉर्मल कैट हो, पर्शियन कैट हो, या फिर यहाँ पर जो भी लोकल कैट्स, उसमें भी अगर हो जाती है, उसमें डेथ होने के चांसेस नियर अबाउट 90% होते हैं। सो फ्रेंड, फिलाइंस की जो भी डिसीज होती है, स्पेशली तीन जो है, इसमें सबसे पहले आते हैं फिलाइन राइनोट्रैकेटिस। तो ये जो होता है, ये हर्पिस वायरस की वजह से होता है। दूसरी जो डिसीज होती है, ये होती है फिलाइन रेस्पिरेटरी डिसीज, ठीक है, कैल्सी वायरस की वजह से होती है। और तीसरी जो डिसीज होती है, होती है फिलाइन पैन ल्यूकोपेनिया, तो ये होती है फिलाइन पारो वायरस की वजह से। ये तीनों भी डिसीज बहुत ही डेडली है, आने के बाद ये कैट को डेफिनेटली लेके जाते हैं। इसमें बचाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, हमें यहाँ पर नियर अबाउट 7 to 15 डेज तक सलाइन पर रखने के बाद भी कैट नहीं बच पाते। तो इसमें आपको इनिशियल स्टेज में जब भी आपके कैट्स कीटन्स होती है, उस टाइम पे हमें लगाना स्टार्टिंग में बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला वैक्सीन का डोज कौन सा लगाना है? तो सबसे पहले जब भी आपको वैक्सीन शेड्यूल स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर आपको 60 डेज पे यहाँ पर पहली वैक्सीन लगानी है। इसको CRP वैक्सीन कहते हैं, ठीक है, फिलाइन राइनोट्रैकेटिस, फिलाइन रेस्पिरेटरी डिसीज, और तीसरा फिलाइन पैन ल्यूकोपेनिया। तो सबसे पहले ट्राइवेलेंट वैक्सीन आप इसमें लगाइए। सो दूसरी जो डोज होती है हमारे लगानी है 90 डेज पे, तो 90 डेज पे आपको एंटी रेबिस की वैक्सीन लगानी है। साथ में आपको जो CRP वैक्सीन होती है ट्राइवेलेंट, इसका बूस्टर डोज भी डालना है। और तीसरी जो वैक्सीन कैट में डालनी है, वो डालनी है 120 डे पे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका CRP यानी ट्राइवेलेंट वैक्सीन करवानी है, और दूसरी जो है हम यहाँ पर हमें एंटी रेबिस की वैक्सीन डालनी है। ये तीन वैक्सीन आपको यहाँ पर जो कीटन है उसमें पहले सबसे पहले डलवाइए, उसके बाद एनुअली ये वैक्सीन हमें यहाँ पर रिपीट करवानी है, ठीक है? और ध्यान में रखिए, आप कोई भी वैक्सीन लगाओ उसमें बूस्टर लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो जनरली मोटा मोटी आपको जो बूस्टर जो होता है, ये 21 डेज से लेकर 30 डेज के बीच में लगानी है। ये आपका CRP वैक्सीन हो, यानी ट्रैवलेंट वैक्सीन हो, या फिर आपको एंट्रेबिस का जो भी वैक्सीन हो आप वो भी लगाते हो, उसमें आपको बूस्टर लगाना हमेशा जरूरी होता है, ठीक है? उसके बाद एनुअली यानी साल में एक बार आपको इसी का बूस्टर लगाना जरूरी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ट्रैवलेंट वैक्सीन एक लगवानी है, और उसके बाद रेबिस की वैक्सीन वहाँ पर एक लगवानी है। तो फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन जो है, इसमें वैक्सीन सबसे बेस्ट कौन सी होती है? जनरल अपने इंडिया में यहाँ पर तीन वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल होती है। इसमें आती है फिलिजन RCP करके आती है, ठीक है, तो ये विरवैक कंपनी की आती है। तो दूसरी जो आती है ये ट्राइकैट ट्राई करके आती है, नोबेक कंपनी के, और तीसरी जो है फिलोसेल 3 करके आती है, जोडिस कंपनी की। तो जनरली हम डॉक्टर लोग यहाँ पर फिलोसेल 3 करके जो आती है, ये जोडिस कंपनी की बहुत अच्छी वैक्सीन है, इसमें हमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई है, तो जनरली हम ये वैक्सीन प्रीफर करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपके कैट की वैक्सीन जो है जरूर कराइए। कैट की वैक्सीन के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है, या फिर आपको कुछ क्वेरीज है, तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पेट की कुछ प्रॉब्लम है जो काफी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपिनियन के लिए देख रहे हो, तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी, और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे, जो यूज़ करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।